जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं किसान यूनियन का लीडर राकेश टिकैत जी का ड्राइंग बनाने वाला हूं। अभी जो किसान मूवमेंट चल रहा है, इसी के सपोर्ट में मैं ये ड्राइंग बनाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलरेडी एक्चुअली मैं ड्राइंग यहां पर कर चुका हूं, आप देख सकते हो लाइन ड्राइंग। सो अभी मैं इसमें पेंसिल शेडिंग शुरू करूंगा और मैं आंख से पेंसिल शेडिंग शुरू करने की कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते करके देखते कैसा होता है। और मैं इस ड्राइंग के लिए डिफरेंट ग्रेड का पेंसिल्स वगैरह यूज करूंगा। चलिए फिर शुरू करते पेंसिल शेडिंग को। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी मैं आंख से शेडिंग शुरू किया हूं और धीरे धीरे मैं शेडिंग को डेवलप्ड कर रहा हूं। दोनों आंख में धीरे धीरे मैं शेडिंग कर रहा हूं और शेडिंग एक्चुअली मैं पहले बहुत ही लाइट करके पेंसिल को प्रेस करके शेडिंग कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं डार्क एरियाज में शेडिंग कर रहा हूं। और ये सेकेंड टोन तक मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ और बाद में पूरा ओवरऑल जब ड्राइंग हो जाएगा तब मैं देख देख के थर्ड टोन और फाइनल टोन में दूंगा। सो अब नीचे वाले पार्ट में मैं शेडिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कान में और नाक में भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहली कहा कि मैं फाइनल टोन जो है वो फर्स्ट टोन और सेकंड टोन के बाद मैं ओवरऑल ड्राइंग को देख के धीरे धीरे दूंगा और तब जाके मैं फिर से आप लोगों से शेयर करूंगा। सो अभी मैं आप देख सकते हो होठों में शेडिंग कर रहा हूँ और ऊपर जो दाढ़ी है और दाढ़ी में भी मैं अच्छी तरीके से देख देख के लाइट और डार्क एरियाज को मैं शेडिंग करूँगा। और एक्चुअली लाइट और शेडिंग के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया को डेवलप्ड होने के लिए हमें बहुत सारे स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो जितना स्टडी करेगा उसका उनका जो शेडिंग लाइट और डार्क एरिया को समझकर शेडिंग करने का आइडिया भी डेवलप्ड होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सो बहुत स्टडी करना ज़रूरी है। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट टोन दे रहा हूँ लाइट करके, उसकी बात देख के धीरे धीरे मैं सेकंड टोन दे रहा हूँ और बीच बीच में मैं जहाँ पर भी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से मैं पेपर स्टाम्प को यूज़ करके मार्ज भी कर रहा हूँ पेंसिल्स वगैरह को। और उसके बाद मैं हाईलाइट देने के पर्पस में मैं जो टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर है वो इरेजर में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं बीच बीच में ऐसा ही कर रहा हूँ। सो अभी मैं माइक्रोफोन को ड्राइंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सो ये फर्स्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अब एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को ड्राइंग के। और बहुत ही हर वीडियो में जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि बहुत ही पेशनेटली ड्राइंग करना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, बहुत ही पेशनेटली टाइम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जस्ट फेस की एरिया में शेडिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है ये वाला ड्राइंग आप देख सकते हो फ्रेंड्स। सो अभी मैं थर्ड टोन दूंगा धीरे धीरे, पहले मैं इस एरिया में जो माइक्रोफोन के बाकी एरिया में मैं शेडिंग करूँगा और उसके बाद ओवरऑल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये ड्राइंग तब मैं फाइनल टोन दूंगा देख देख के अच्छी तरीके से, जहाँ पर भी जैसा डिटेलिंग का ज़रूरत होगा। सो अभी आप देख सकते हो उनके ड्रेस में, राकेश टिकैत जी के ड्रेस में मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ और साथ में माइक्रोफोन की जो एरिया बाकी रह गया था उसमें भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और माइक्रोफोन जो है वो स्टील का है, सो उसका भी और हमें शेडिंग करने के वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज़ का जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि स्किन का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, क्लॉथ का कैरेक्टर डिफरेंट होता है। सो शेडिंग करने के वक्त हमें ये याद रखना पड़ता है कि ये कैरेक्टर के बारे में कैसे हम पेंसिल शेडिंग के द्वारा ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निकल के लाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो ये शेडिंग फिर से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये प्रैक्टिस सिंक के ऊपर निर्भर करता है, तो जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी पहले लाइट करके पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आइडिया अच्छी तरीके से देख देख के
आइडिया जब क्लियर हो रहा है तब मैं धीरे धीरे डिटेलिंग के तरफ बढ़ रहा हूँ। सो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अपर कर रहा हूँ। सो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और ये वाला इमेज जो मैं देख के ड्राइंग कर रहा हूँ ना, वो वाला इमेज आपको गूगल में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जाके, कोई बात नहीं। और ये देख सकते हो अभी मैं ड्रेस में अभी भी शेडिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे देख के डिटेल एरिया में डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये देखिए मैं अभी नीचे वाले पार्ट में जो हाथ में जो हाथ और जो माइक्रोफोन को पकड़ के रखा है वो वाला हाथ को मैं शेडिंग किया अभी देख सकते हो आप। और धीरे धीरे मैं शेडिंग को किस तरीके से डेवलप कर रहा हूँ वो आप देखो, आप समझो और आप भी उसी तरीके से अपने करने के वक्त आप अप्लाई कर सकते हो उस तरीके से। सो ये सेकंड टोन पूरा कम्प्लीटली मैं यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ। आप देख सकते हो आप किस तरीके से दिखाई दे रहा है ये वाला ड्राइंग। सो धीरे धीरे मैं अभी थर्ड टोन की तरफ बढ़ूँगा, ये देखिए। सो सेकंड टोन अप्लाई करने के बाद अभी मैं थर्ड टोन दे रहा हूँ, जहाँ पर भी जैसे कुछ जगह पर शायद डार्क बढ़ाना पड़े, कुछ जगह हटाना पड़े, कुछ जगह मोर डिटेलिंग और कंसंट्रेशन देके ड्राइंग करना पड़े, बहुत सारी चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड में मुझे ड्राइंग के बाद ऐसा महसूस हुआ कि बैकग्राउंड में आधा अगर मैं डार्क कर दूँ, जो लाइट एरियाज है राकेश टिकैत जी के फेस का, वो लाइट एरियाज में अगर बैकग्राउंड में मैं डार्क डाल दूँ और डार्क कर दूँ जहाँ पर मैं अभी कर रहा हूँ, अगर कर दूँ तो ये जो फेस है वो निकल के 3D जैसा एक्यूलेशन आ जाएगा इसमें और अच्छा लगेगा देखने में। सो ये बैकग्राउंड में अभी मैं आप देख सकते हो पेंसिल्स को यूज़ करके, डार्क पेंसिल को यूज़ करके मैं शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करते करते आपको आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वाला शेड यूज़ करे, कितना डार्क करे, कितना लाइट करे। सो ये प्रैक्टिसिंग के ऊपर होता है, जितना ज़्यादा आप देख सकते हो आप किस तरीके से दिखाई दे रहा है या पर ये वाला ड्राइंग ओवरऑल करने के बाद। सो अभी मैं धीरे धीरे आपको डिफरेंट एंगल से भी ये वाला ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे और देख के आपको अच्छा लगेगा। सो अभी मैं बैकग्राउंड के बारे में ही आपको बता रहा हूँ और ओवरऑल दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से हुआ है। आप देखिए और एंजॉय कीजिए इस ड्राइंग को आखिर तक। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे मेरे ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे सजेशन दे और क्या इसमें डेवलप लाए जैसे कि मोर इंटरेस्टिंग बने मेरे ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस। और सो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक आखिर तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया ड्राइंग के साथ। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।